अब स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। करते जो पेज नंबर याद है? नो सर, पेज नंबर तो नहीं है। चलो भी हो गया। पिपलिंग वाला हो गया ना, ये अपना फूड वाला सी, हंसदा वाला। यस सर। ना इसकी ना सुपर फ्रेशर की बुक आती है, हेल्प बुक, ओके सर। सुपर फ्रेशर। सर इस दे विच हिस्ट्री और होगी एंशिएंट टाइम दी, अग्गे तां नहीं एदा कोई ओ यूजफुल। यूजफुल क्या है? मेरी बात सुनो, जिसने आईपीएस बनना, आईएएस बनना है, तो उसके लिए तो ये कोई एक दिन का हिस्ट्री थोड़ी पढ़ने से काम चलेगा। इसमें इंडियन भी, आप इंडियन भी आती है, मॉडर्न वर्ल्ड भी आता है। ये मॉडर्न वर्ल्ड की है, इंग्लिश आपकी, ठीक है जी। मुझे लगता है हमने यहाँ टूल्स तक स्टार्ट करना है यहाँ से। हाँ जी सर। ह्यूमन टूल्स, ये तो नहीं, ये तो नहीं ना करवाया आपको? नहीं सर। पंचब्रेड टूल्स हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से, बिटवीन से 4 लाख 2 एंड 1,25,000 ईयर्स एगो से। बिटवीन 4 लाख एंड 1,25,000 ईयर्स अगो केव्स एंड ओपन एयर साइट बिगन्स टू बी यूज एविडेंस फॉर द दिस कम्स फ्रॉम साइट्स इन यूरोप इन द लाजरट केव इन द साउथर्न साइट इन यूरोप। 12x4 मीटर शेल्टर वॉज बिल्ट अगेंस्ट द केव वॉल इन साइड इट वर टू हार्ड्स एंड एविडेंस ऑफ अ डिफरेंट फूड सोर्स फ्रूट्स वेजिटेबल सीड्स नट्स एंड बर्ड्स एग्स एंड फ्रेश वाटर फिश ट्राउट पर्च एंड कार्प एट अनदर साइट टेरा मार्टा ऑन द कोस्ट ऑफ साउथर्न फ्रांस फर्मली शेल्टर्स विद रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रासेस वर बुलेट फॉर शॉर्ट टाइम सीजनल विजिट पीसेस ऑफ बेक्ड क्ले एंड बर्न्ड बोन अलॉन्ग विद द स्टोन टूल्स डेटेड बिटवीन द 1.4 एंड 1 माया हैव बीन फाउंड एट द चेसोवंजा कैने एंड स्वाट करंस साउथ अफ्रीका वर दीज द रिजल्ट ऑफ द नेचर ब्रश फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शन और वर दे प्रोड्यूस्ड थ्रू द डिलिब्रेट कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर वी डू नॉट रियली नो हाउ हार्ट्स ऑन द अदर हैंड आर इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्रोल यूज ऑफ फायर दिस हैड सेवरल एडवांटेज फायर प्रोवाइडेड वार्म्थ एंड लाइट इन इनसाइड केव्स एंड कुड बी यूज फॉर कुकिंग बिसाइड फायर वॉर यूज टू हार्डन वुड एंड फॉर इंस्टेंट द टिप ऑफ द स्पीयर द यूज ऑफ हीट ऑल्सो फैसिलिटेड द फ्लेकिंग ऑफ टूल्स एज इम्पॉर्टेंट फायर कुड बी यूज टू स्केयर अवे डेंजरस एनिमल्स। ठीक है जी। उसने बोला है जी 4 लाख साल और 1,25,000 साल के बीच में केव्स एंड ओपन एयर साइट्स बिगेन टू यू बी यूज्ड। मतलब पहले क्या था, इंसान जब एक हिसाब से जानवर ही था, तब उसमें इतनी अकल नहीं थी कि वो कहाँ पर रहे वो कहाँ पे ना रहे। पहले वो पता कहाँ पे रहता था? पहले रहता था वो सिर्फ पेड़ों पर, जैसे बंदर रहते हैं, सेम एक्टिविटी उसकी यही थी। लेकिन उसके बाद उसने
गुफाओं में रहना शुरू कर दिया और ओपन साइट्स में भी रहना शुरू कर दिया. एविडेंस फॉर दिस कम्स फ्रॉम साइट्स इन यूरोप, और इसकी एविडेंस हमें मिले यूरोप की साइट से. ये जगह है जी साउथर्न फ्रांस के अंदर लेजार्ट. एक 12.4 मीटर शेल्टर वाज बिल्ट, एक शेल्टर मिला जी, तो आप साइड में देख सकते हो इस प्रकार का शेल्टर होगा उस समय. और अगेंस्ट द केव वॉल, जो केव थी ना गुफा, उसके साथ मिला है जी. इनसाइड एक इसके अंदर क्या था, बट टू हार्ट एंड एविडेंस ऑफ द डिफरेंट फूड सोर्सेज. यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमें फूड सोर्सेज मिले थे, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, सीड्स नट्स हो गए, बर्ड्स एग्स हो गए, एंड फ्रेश वाटर फिश, जो पानी वाली मछली होती है ना फ्रेश वाटर वाली, वो मिली है. ट्राउट मिले हैं, पर्च है, कार्प है, ठीक है जी. एट अनदर साइड, दूसरी साइड हो रहा है जहां पर टेरा अमाटा ऑन द कोस्ट ऑफ साउदर्न फ्रांस, ये भी जगह का नाम है, फ्रांस में ही है. फैंसी शेल्टर्स विद रोव्स ऑफ वुड्स एंड ग्रासेस वर बिल्ट फॉर द शॉर्ट टर्म. तो यहाँ पर ये मिला है कि यहाँ पर भी शेल्टर बनाए गए थे, कैसे, लकड़ी के साथ, ग्रास के साथ, घास के साथ, ऊपर उसको कवर कर दिया गया था शॉर्ट टर्म के लिए, सीजनल विजिट के लिए. जब भी कोई मतलब सीजनल विजिट, तब भी घूम फिर के जब आना हो कहीं पर, जब सीजन हो तब वो जाते होंगे. प्लेसेस ऑफ बैग्ड क्ले एंड ब्रंट बोन्स आल्सो विद द स्टोन टूल्स. और क्या मिला है जी, ऐसी जगह भी मिले जहां पर बैग्ड क्ले, बैग्ड कौन सी होती है, पकी मिट्टी, और मिला ब्रंट बोन्स, जली हुई हड्डियां मिली हैं, किसके साथ, अलोंग विद स्टोन टूल्स, जो स्टोन के टूल्स होते ना उनके साथ, पत्थरों के टूल्स बनाए जाते हो जाते हैं. डेटेड है जिनके 1.4 माया एंड 1 माया. Have been found at, कहाँ पे मिला जी, ये मिला जी शिस्वांजा कीनिया के अंदर है, एंड स्वाक्टर्न्स, ये है साउथ अफ्रीका में. Were these the result of a natural bush fire, कि एक आग लगी होगी या फिर वोल्केनिक एरप्शन हुआ होगा, शायद उसकी एविडेंस से हमें वहां पे मिले हैं. और were they produced through the deliberate controlled use of fire, भी क्या वो आग को कंट्रोल कर पाए, स्टार्टिंग में जब आग जलाते थे, अब जब जल गई, अब ये नहीं पता कहां तक तबाही मचा दे, अब उनको कंट्रोल करने को आती थी नहीं ये. We do not really know, हम नहीं जानते. Hearts on the other hand are indication of the controlled use of fire. दूसरी तरफ ये भी है कि एक ऐसे इंडिकेशन मिले जहां पर आग को फायर कंट्रोल किया जाता था. This had several evidences, के बहुत सारे एडवांटेज थे, जैसे फायर प्रोवाइडिंग वार्मथ, फायर से क्या होता था, अपने आप को लोग गर्म कर लेते थे सर्दियों में, जो इनसाइड द केव्स में रोशनी कर लेते थे, एंड कुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना बनाने में काम आती थी. बिसाइड्स फायर वाज यूज्ड टू हार्डन वुड्स, और कई बार होता था जो वुड होती थी उसको जलाने के लिए भी काम आती थी. As for instance, the tip of the ship spear, उनके जो tip spear होता है बाला, जिसको tip के ऊपर, नोक के ऊपर भी, the use of heat also facilitated, वहाँ पर भी आग को थोड़ा गर्म कर जला के ना उसको नोक को गर्म कर लिया जाता था, और टूल बनाए जाते थे उससे, जब लोहा गर्म होता तभी तो वो अच्छी चीज बनती है. As important, the fire could be used to scare away dangerous animals. एक चीज और भी है, इससे जो जो एनिमल्स होते हैं ना खतरनाक, उनसे भी बचा जा सकता था, उनको दूर भगाया जा सकता था इससे. आगे है जी, तो स्टार्ट विद इट, इसी के साथ शुरू है जी. इट इज यूजफुल टू रिमेम्बर दैट द यूज ऑफ टूल्स एंड द टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमंस. ये भी है जी याद रखना, टू रिमेम्बर दैट यू यूज ऑफ जो टूल्स हैं और टूल मेकिंग, ये कोई कन्फाइंड नहीं है ह्यूमन के लिए. बर्ड्स आर नोन टू मेक ऑब्जेक्ट्स टू असिस्ट देम विद फीडिंग. जो पक्षी हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स बनाते थे आप उसको करने के लिए, फीड करने के लिए असिस्ट करते थे वो भी. हाइजीन एंड सोशल क्या है जी, इनकाउंटर इनकाउंटर्स है जी. एंड वाइल्ड foraging for food, some chimpanzees use tools that they have made.
कई बार तो चिंपैंजी भी उसको यूज कर, ये उन्होंने ये कहा कि जो टूल्स है जरूर थोड़ी भी इंसान ही बनाते हैं, टूल्स जानवर ही बनाते थे, जैसे चिंपैंजी सा वो भी यूज करता था खाना यूज करने के लिए, वो भी टूल्स बनाता था, और पक्षी भी उन्होंने कहा भी ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। हाउएवर देयर आर सम फीचर्स ऑफ ह्यूमन टूल मेकिंग दैट आर नॉट नोन अमंग एप्स। देखिए उसने आगे बात की है, जो कुछ फीचर्स भी हैं ह्यूमन जो टूल्स मेकिंग के हैं दैट आर नॉट नोन, नहीं जाना जाता ऐसे कि अमंग एप्स के बीच में नहीं थे ये, एज वी हैव सीन जो हम देख चुके हैं पिक्चर 11 में, द नर्वस सिस्टम है जी, द सर्टेन एनाटोमिकल एंड द न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, अडेप्टेशन हैव टू लीड द स्किल्ड यूज फॉर हैंड्स प्रॉपरली ड्यू टू द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टूल्स इन ह्यूमन लाइफ। देखिए जी जैसे जैसे इंसान का दिमाग काम करने लगा, उसने टूल्स बनाए और उसको अच्छे ढंग से स्किल्ड यूज किया, जिसने अपने हाथों का अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया टूल बनाने के लिए। मोर ओवर द वेज इन विच ह्यूमन यूज एंड मेक टूल्स ऑफन रिक्वायर ग्रेटर मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल, जो इंसान ने टूल्स बनाए उसके लिए अच्छी मेमोरी की जरूरत पड़ती है और रिक्वायर ही गुड मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन और स्किल भी, इसके लिए अच्छी स्किल की जरूरत पड़ती है। बोथ ऑफ विच आर एब्सेंट इन एप्स, जो एप्स नहीं बना सकते सिर्फ वो इंसान ही टूल्स बना सकते हैं, एप्स नहीं बना सकते वो टूल्स। There is evidence for the making and use of stone tools comes from sites of in Ethiopia. जो शुरुआत के जो टूल्स हैं उनके जो एविडेंस है हमें पता कहाँ से मिले जी, वो मिले हमें इथोपिया से, जहाँ से हमें वो फर्स्ट ह्यूमन के क्या मिले जी, हम स्कल्ट या हड्डियां भी मिली उसके एविडेंस मिल रहा है रहने के, एंड कीनिया में मिला है। इज लाइकली दैट द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स मेकर्स वर द एस्ट्रोपैथिक्स, इसका मतलब ये है कि जो पहले स्टूल बनाने वाले थे मेकर्स थे वो कौन थे, एस्ट्रोपैथिक्स थे वो। चलो जोत जोत जी पढ़ो आप। As in this case of any activities, we don't know whether tools of making was done by men or women or both. It is possible that a stone tool makers were both women and men. Women in particular may have made and used tools to obtain food for themselves as well as to sustain their children after weaning. About 35,000 years ago, improvement in the technique for killing animals and the evidence from the appearance of new kinds of tools, such as spear throwers and a bow and an arrow. The meat thus obtained and was probably processed by removing the bones, followed by drying, smoking, and storage. Thus, food could be stored for the later consumption. There were other changes, such as the trapping of fur-bearing animals to use the fur for clothes. Clothing and the interventions of sewing needles. The earliest evidence of sewing clothing comes from about 21,000 years ago. Besides, with the introduction of the punch blade technique to make small chisel like tools, it was now possible to make engraving on bone, antel, ivory, or wood. चलो जी। एज इन द केस ऑफ अदर एक्टिविटीज, अब दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, ये मैंने पहले कहा था चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टफ है थोड़ा सा, एंड वी विल हैव टू टेक्स टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बिट लॉन्ग टाइम, बहुत टफ है ये, स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, जब सेकंड चैप्टर आएंगे थर्ड आएंगे फिर उसमें आपको अच्छा लगेगा प्री रीड करने, रीड करते हुए भी और वैसे भी वो अच्छा याद रहेगा, थोड़ा स्टार्टिंग वाला चैप्टर थोड़ा टफ ही होता है। We do not know whether tool making was done by men or women or both. हम नहीं जानते कि जो टूल मेकिंग के कौन करता, लेडीज या फिर जेंट्स या फिर दोनों ही। It is possible that two stone tools makers were both women and men. दोनों ही हो सकते हैं, ये possibility है। Women in the particular may have made and used tools to obtain food for home, food for themselves as well as to sustain their children after weaning. वो बोलते हैं जी जो टूल्स हैं वो लेडीज भी बना सकती थी, वो फूड प्राप्त करती थी अपने लिए अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए। अबाउट 35,000 ईयर्स है, लगभग 35,000 साल पहले इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन क्या टेक्निक फॉर द किलिंग एनिमल्स, एनिमल्स को मारने की टेक्निक के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है। आर एविडेंस, इसके एविडेंस भी मिले हैं फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स, फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ न्यू काइंड ऑफ टूल्स भी मिले हैं, तब उनको पता लगा, सच स्पीयर थ्रोवर्स, ये आपके यहाँ पर ये है इसको स्पीयर थ्रोवर बोलते हैं,
बाला फेंक कर मारना, इसके बीच में फंसा देते थे उसको, जोर से फेंकते थे, ये आप पढ़ भी लेना, ये स्पीयर थ्रोवर है। ओके सर। एंड बो एंड एरो, तीर और धनुष भी यूज किया जाता था उस समय। द मीट दस ऑब्टेन्ड वाज प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड बाय रिमूविंग द बोन्स, हड्डियों को साफ करके मीट प्राप्त किया जाता था, फुल बाय ड्राइंग, फिर उसको सुखाया जाता था, स्मोकिंग एंड द स्टोरेज, उसको स्मोक किया जाता था, जैसे जलाया जाता था, स्टोरेज किया जाता था। द फूड्स कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजम्पशन, कि बाद में खाने के लिए वो यूज कर सकते थे बाद में, क्योंकि जो कच्चा मीट होता था फिर वो उसके अंदर स्मेल आने लगती थी, फ्रिज तो थी नहीं उस समय, तो इसको थोड़ा सा ना वो क्या कर लेते थे, थोड़ा सा कुक कर लेते थे ताकि बाद में यूज करें। इसके बाद है जी, देयर वर अदर चेंजेस, दूसरे बदलाव भी हैं, सच एज द ट्रैपिंग और फॉर बेरिंग एनिमल्स, कि ट्रैप करके फंसा के जानवरों को भी ये इस्तेमाल करते थे इन चीजों को, और फिर फर बेरिंग यानी कि उनका जो ऊन थी वो भी यूज करते थे, तो यूज द फर फॉर क्लोथिंग, कपड़ों के लिए। एंड द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग, जब नीडल का सुई का आविष्कार हुआ, द अर्लीस्ट प्रोविडेंस ऑफ सिविन क्लोथिंग कम्स फ्रॉम अबाउट 21,000 इयर्स एगो, जो सिले हुए कपड़े की बात है जी वो 21,000 साल पहले हुई है जी, बिसाइड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंच ब्लेड, पंच ब्लेड की टेक्निक भी यूज की गई है टू मेक स्मॉल चीसल लाइक टूल्स, चीसल होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं छेनी, उसका भी यूज किया गया है। इट वॉज नाउ पॉसिबल टू मेक एनग्रेविंग ऑन बोन्स, तो इसके बाद ये भी है पॉसिबिलिटी थी कि एनग्रेव होता जी हड्डियों के ऊपर भी लिखा जाने लगा, ग्रेव किया जाने लगा खोद खोद के, एंटलर एवरी और वुड, इसके ऊपर खोदते थे वो लकड़ी के ऊपर, हाथी दांत के ऊपर, ये एंटलर है जो बारहसिंगा शहर का शहर, उसी के ऊपर खोदा जाता था हड्डियों के ऊपर। ये देखो ये टूल्स बनाने की टेक्निक है, ये जरूर पढ़ना आप, तुम्हारे पास चैप्टर सेंड है ये जरूर। हाँ, इसने लिखा है मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड आर्ट, कि बातचीत का साधन कौन सा था, लैंग्वेज क्या थी, ये सारे का सारा। Mode of communication, language and art. Among living beings, it is human alone that have a language. There are several views on language development, that hominid language involved gestures and hard movements, that spoken language were preceded by vowel or non-verbal communication such as the string singing and humming, that human speech probably began with the calls like the ones that have been observed among primates. Humans may have possessed a small number of speech sound in the initial stage. Gradually, these may have developed into language. When did spoken language emerge? It has been suggested that brain of Homo habilis and the certain features which would have made it possible for them to speak this language may have developed as early as to Maya. The evolution of the vocal tract was equally important. This occurred around 2 lakh years ago. It is more specifically associated with modern humans. The third suggestion is the language developed around the same time as art, that is around 40,000 to 35,000 years ago. The development of spoken language have been seen as closely connected with art, since both are media for communication. संसार में इस दुनिया में लिविंग बींग्स हैं और उसमें सिर्फ ह्यूमन ही है जो बोल सकते हैं और कोई नहीं बोलता। देयर आर सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत सारे व्यूज है जी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के ऊपर। फर्स्ट है जी दैट होमोनाइड लैंग्वेज इन्वॉल्व्स जेस्चर और हैंड मूवमेंट, ऐसी लैंग्वेज को हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी, हाथ हिलाकर, जैसे पानी पीना है, खाना खाना है, उसे इशारे होते ना वैसे वो करते थे, आना है उसका भी इशारा, जाना है उसका भी इशारा, चलना उसका भी इशारा होता है। दूसरा जी दैट स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रीसीडेड बाय वोकल बट नॉट वर्बल, जो स्पोकन था जी लैंग्वेज बहुत ही वोकल थी लेकिन वर्बल नहीं थी, नॉन वर्बल थी। कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग, ये चीजें शायद उस समय नहीं होती होंगी। दैट ह्यूमन स्पीच प्रॉपरली बिगेन विद कॉल्स लाइक द ओन्स,
that have been observed among primates. फिर धीरे धीरे जैसे उसकी टंग थोड़ी सी साफ हुई, आ उ ये करने लगा, फिर कुछ कुछ वर्ड्स स्पीक करने लगा, फिर धीरे धीरे ऐसे इसका विकास होता गया. Humans may have processed a small number of speech sounds in the initial stages. शुरुआत में शायद वो थोड़े थोड़े शब्द बोलता होगा, इतनी स्पीड में नहीं बोलता होगा, लेकिन थोड़े थोड़े शब्द बोलता होगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली ना स्लोली स्लोली. These may have developed into language, language में कन्वर्ट हो गए. When did spoken language emerge? Spoken language कब आई? It has been suggested that ये है जी, जैसे ब्रेन है ना होमो हैबिट्स का, इंसान का जो ब्रेन था उसकी जो आदतें थी उसके अकॉर्डिंग had certain features which would have made possible for them to speak. तब उसने इसके दिमाग में से कुछ बोलने के लिए प्रेरित किया. Thus language may have developed. इस प्रकार ये लैंग्वेज आई जी टू माया में. The evolution of the vocal tracts, जो वोकल ट्रैक्स हैं बोलने वाले बाज इक्वली इंपॉर्टेंट थे. This occurred around ये है जी 2 lakh years ago. 2 lakh 1000 saal pehle, 2 lakh saal pehle. It is more specifically associated with the modern human. ये modern human के साथ ये match करता है. Third suggestion है कि जो लैंग्वेज से डेवलप हुई अराउंड द सेम टाइम एट द, जैसे आर्ट हुई वैसे ही लैंग्वेज भी सेम टाइम पर डेवलप हुई, जैसे कि 40,000 से 35,000 साल पहले है ये डेवलपमेंट आपको स्पोकन लैंग्वेज में मिलेगी. हैज बीन सीन एज क्लोजली कनेक्टेड विद द आर्ट, इनका ये मानना ये आर्ट से बिल्कुल कनेक्टेड है. सिंस बोथ आर मीडिया ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, ये दोनों ही कम्युनिकेशन के साधन थे, आर्ट भी था और लैंग्वेज भी थी. ये देखिए केव पेंटिंग है जी एट अल्टामीरा में ये पेंटिंग की गई थी. ये ड्राइंग है जी ऑफ द बेजन अल्टामीरा नॉर्दर्न स्पेन, स्पेन के अंदर केव है गुफा, वहां से ये चित्रकार की गई. देखो उस समय के इंसान की, ठीक है जी, 1879 में इसको खोजा गया था, ये जरूर पढ़ लेना आप बाद में. ओके सर, अभी 23 पेज हुआ है, अब देखो 23 पेज में पहुंचे हैं अभी, फिर भी 4-5 पेज है, एक बार चेक कर लो कितने हैं इसके. बस 26 पेज है टोटल, बाकी दो उसमें वो. ओके सर, बस पेज नंबर याद रखा करो आप भी, या फिर पिक्चर को आप. अब चलो आप हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स डन बिटवीन 30,000 to 12,000 years ago हैव बीन डिस्कवर्ड इन द केव्स ऑफ लस्कॉक्स एंड द चावेट बोथ इन फ्रांस एंड Altamira in Spain. This include depiction in of bison, horses, ibex, deer, mammoths, rhinos, lions, bears, panthers, hyenas and owls. More questions have been raised that answer regarding these paintings. For example, why do some areas of cave have painting and not others? Why were some animals painted and not others? Why were men painted both individually and in groups, whereas women were depicted only in groups? Why a man painted near animals but never women? Why were groups of animals painted in societies of caves where sounds carried well? Several explanations have been offered. One is that because of the importance of hunting, the painting of animals were associated with ritual and magic. The act of painting could have been a ritual to ensure a successful hunt. Another explanation offered is that these caves were possibly meeting place for the small groups of people and locations for group activities. These groups could share hunting techniques and the knowledge, while painting and engraving serves as the media for passing information
from one generation to the next. The above account of early societies have been based on the archaeological evidence. Clearly, there is a much that we still do not know. As mentioned at the beginning of this chapter, hunter-gatherer and societies exist even today. Can one learn anything about past societies from present-day hunter-gatherers? This is a question we will address in the next section. Okay. देखो उसने बोला hunter painting of animals done between 30,000 and 1 lakh, sorry 12,000 years ago. उसने बोला जो बहुत सारी paintings मिली animals की वो 30,000 से लेकर 12,000 साल पहले की थी. ये discovered की गई है जी कहाँ पर, ये लेसेक्स है एंड शॉबट है, ये दोनों फ्रांस के अंदर जगह है एंड अल्टामिरा इन स्पेन के अंदर है. दीज इंक्लूड डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स, बीजन है, ये हॉर्सेस है, आइबेक्स है, डियर है, मैमथ्स है, राइनोस है, लॉयन, बियर्स, पैंथर्स, हाइंस एंड वॉल्स, इन सभी की पेंटिंग मिली है जी यहाँ भी हर जगह पर. ये दो तीन जगह तो बताई है उन्होंने. जो दूसरे क्वेश्चन है बीन रेज, ये भी पूछे जाते हैं. Then answered regarding these paintings के बारे में. For example है, why do some areas of caves have paintings and not others? कि why do some areas of caves, जो गुफाओं के कुछ areas उनको paint किया जाता था, दूसरों को नहीं किया जाता, क्यों? Why were some animals painted and not others? कुछ animals को क्यों paint किया जाता था, दूसरों को क्यों नहीं किया जाता था? Why were men painted both individually and in groups? क्यों इंसान पेंटिंग करता था ग्रुप्स में या इंडिविजुअल करता था? Whereas women were depicted only in groups, जो वीमन थी वो ग्रुप में होती थी. Why were men painted near animals, जो इंसान था वो, why were men painted near animals but never women, उसे ये बोलता था कि जो आदमी थे वो पेंट करते थे या लेडीज नहीं करती थी उसको पेंट, कभी पेंट नहीं करती थी. ये क्वेश्चन पूछे गए, पता तो है नहीं ना किसने किए थे वो. Why were groups of animals painted in those in the section of caves where sounds carried wells? Why were groups, जो ग्रुप्स थे ऑफ एनिमल्स के पेंटेड इन द सेक्शन जो पेंटेड रहे और गुफाओं के में अंदर दीवार के ऊपर, वेयर साउंड्स कैरिड बाय वेल्स, और वो साउंड कहां से आता है, ये थोड़ा वर्ड का मीनिंग भी मुझे पता है इसका. सेवल एक्सप्लेनेशन दिए जैसे इसके बारे में, ठीक है. वन ऑफ सबसे क्या है जी, वन इज दैट बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ हंटिंग, शिकार की महत्ता इम्पोर्टेंस थी ज्यादा. The painting of animals were associated with the rituals and magic. और जो painting थी associated जो animals थे उनके साथ associated थे वो थे जी ritual के साथ और magic के साथ, जादू के साथ भी उनके कुछ ritual के साथ भी. The act of painting could have been a ritual. जो painting करना उस समय कोई रीति रिवाज होगा, इंश्योर था कि इसमें हमें कामयाबी मिलेगी शिकार करने में. Another expression दे सकते हैं जी, offered is that these caves were possibly meeting place for small groups of animals, sorry of peoples, or locations for group activity. तो ये मानना है उनका कि ये उनके ग्रुप हो सकते हैं जहां पर वो छोटी छोटी मीटिंग करते होंगे, इकट्ठे बैठते होंगे, तब ये पेंटिंग करते होंगे लोग. These groups could share hunting technique, ये हंटिंग टेक्निक को शेयर करते होंगे और नॉलेज को भी. While painting and engraving served as the media for passing information from one generation to another next generation. तो उनका दूसरा मानना है कि जो पेंटिंग करते थे इससे क्या, जो ना पहली पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी को अपने पीछे के बारे में बता सके, अपने पूर्वजों के बारे में बता सके कि इस समय ये जानवर थे, हम ऐसे शिकार करते थे, ऐसा ऐसा वो बता सकते थे. The above account of early societies has been based on archaeological evidence. ये सिर्फ जो सारे सबूत हैं, ये सारी जो कहानी है वो सिर्फ खुदाई के ऊपर evidence जो मिले उसके ऊपर based है. Clearly there is much that we still do not know. बहुत कुछ ऐसे जिसके बारे में हम अभी भी जानते नहीं है. As mentioned at the beginning of the chapter, जैसे शुरुआत में chapter में कहा गया था, hunter gatherer societies exist even today, कि जो शिकारी करने वाले हैं
शिकारी हो गए, मांस इकट्ठा करने वाले हो गए, ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटीज। कैन वन लर्न एनीथिंग अबाउट पास्ट सोसाइटीज, क्या कोई पास्ट सोसाइटी से सीख सकता है? फ्रॉम प्रेजेंट डे, आज के दिन में हंटर गैदर्स के बारे में, दिस इज ए क्वेश्चन वी विल एड्रेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अब देखें आगे, अर्ली इनकाउंटर्स विद द हंटर्स गैदर्स इन अफ्रीका, ये जरूर पढ़ो आप। जसजोत, Early encounters with hunter gatherers in America. The following is an account by a member of an America postal group about its initial contact in 1870s with the Kung San, a hunter gatherer society living in Kalahari Desert. When we first came into the areas, all we saw were strange footprints in the sand. We wondered what kind of people these were. They were very afraid of us. What would hide whenever we came around? We found their village, but they were always empty because as soon as they saw strangers coming, they would scatter and hide in the bush. We said, oh, this is good. These people are afraid of us. They are weak and we can easily rule over them. So we just rule them. These were no killing or fighting. You will read more about encounters with hunter gatherers in the theme 8 and 10. Anji, the following is an account by a member of an African pastoral group about its initial contact in 1870 with the Kang San, a hunter gatherer society living in the Kalahari Desert. ये जो फॉलोइंग एक अकाउंट है, ये कहाँ से लिया गया है? एक मेंबर था जी अफ्रीकन पैस्टर, जो चरवाहे होते हैं उनको बोले थे, ग्रुप है था जी का, जिनकी जो कॉन्टेक्ट हुआ किनके साथ 1870 में, उनके साथ हुआ किनके साथ, कैंग सैन, ये हंटर गैदर सोसाइटी थी जो रहती थी कालाहार डेजर्ट में। व्हेन वी फर्स्ट केम इनटू द दिस, जब पहली बार इस एरिया में आए, आलवी साहब ने सभी देखा वर स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, अजीब से फुटप्रिंट्स देखे हमने इन द सैंड, रेत के अंदर। वी वंडर, हम हैरान हुए, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दीस वर, ये किस प्रकार के लोग थे। दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ अस, वो हमसे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, एंड वुड हाइड, छुप गए, व्हेन एवर वी केम अराउंड, जब हम कभी भी उनके पास जाते वो छुप जाते थे। वी फाउंड देयर विलेज, हमें उनके गाँव मिल गए, बट दे वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली होते, बिकॉज एज सून एज दे सा स्ट्रेंजर्स, जैसे वो देखते स्ट्रेंजर को कमिंग आते हुए, दे वुड स्कैटर्ड एंड हाइड इन द बशीज, वो छुप जाते किसमें, झाड़ियों में। वी सेड, हमने कहा ओह दिस इज गुड, ये अच्छा है, दीज पीपल आर अफ्रेड, ये लोग हमसे डरते हैं, दे आर वीक, वो कमजोर हैं, एंड वी कैन इजीली रूल ओवर देम, उनके ऊपर राज कर सकते हैं। सो वी जस्ट रूल्ड देम, इसलिए हमने उनके ऊपर राज किया। देयर वर नो किलिंग और फाइटिंग, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई फाइटिंग नहीं की गई। यू विल रीड मोर अबाउट एनकाउंटर्स विद द हंटर्स गैदर्स इन चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, 8 एंड 10 में, ठीक है जी। ये उसने कहा कि हम ये ना पैस्टरल थे जी, चरवाहे, 1870 में निकाली इनकाउंटर हुआ किनके साथ हुआ जी, ये कालाहाट में डेजर्ट में रहते थे, हंटर्स गैदर्स थे ये लोग, सोसाइटी थी। जब बोलता हम पहली बार वहां पर गए तो हमने अजीब से रेत के ऊपर निशान देखे, ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, वो हमसे डरते थे, ये अच्छी बात थी, क्यों हमसे डरते थे, तो हमारे लिए आसान था उनके ऊपर काबू करना, उनके ऊपर राज करना, ये सारी सारी चीजें उसके अंदर उन्हें हमें बताई दी है। जसजोत, बाकी हम कल को पढ़ेंगे, ठीक है जी, ओके सर, यहाँ से शुरू करेंगे हफ्ता से, ठीक है, ओके सर, हाँ, ये हर साल से हम स्टार्ट करेंगे, और ये 24, 25, 26 पेज रह गए। एक ना बुक आती है इसकी, हेल्प बुक है, वो सुपर फ्रेशर है, प्लस वन का हिस्ट्री का, देखते हैं किसी बच्चे से मिल जाए, मैं पूछूंगा फोन करके, अगर है नहीं तो फिर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है जी, ओके सर, चलो ठीक है जी, बाय बाय।